नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज महिला समूह की दीदियों का महासम्मेलन सीएम करेंगे उद्घाटन। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियों का महासम्मेलन सोमवार 12 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता होंगे। सम्मेलन में 30,000 से अधिक दीदियों के हिस्सा लेने की संभावना देखते हुए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। शहर की प्रमुख सड़कों पर सिटी राइड बस, ऑटो और रिक्शा का परिचालन वर्जित किया गया है। कार्यक्रम के कारण कुछ स्कूलों में भी अवकाश की घोषणा की गई है। रांची के मोराबादी में महिला समूह की दीदियों के कार्यक्रम में आने वाली बसों को छोड़कर रांची में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी मालवाहकों का शहर में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। बता दें, बरियातू, बोड़या, कांके और हरमू रोड में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की प्रमुख सड़कों पर बस, ऑटो व ई रिक्शा का परिचालन भी वर्जित किया गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में विधानसभा के अवर सचिव दो पुत्रों के साथ गिरफ्तार। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने रविवार को झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ शमीम और उनके दो बेटों सहजाद व शहनवाज को रांची के नगरी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की कॉपी, ब्लैंक चेक, मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। तीनों से पूछताछ की जा रही है। अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम विवाहितों में रहे हैं। उनके खिलाफ 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है। बता दें, एसआईटी के अनुसार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम ने कई अभ्यर्थियों को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बहाल करने का आश्वासन दिया था। उनके बेटों ने अभ्यर्थियों से उनके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और तय रकम के बदले ब्लैंक चेक भी लिया था। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्त होंगे 73 मैनेजर। झारखंड के 73 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूल प्रबंध बहाल किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में पठन पाठन और शिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रबंध के लिए 73 कुशल व दक्ष स्कूल प्रबंधकों की नियुक्ति करने जा रही है। 29 फरवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ये प्रबंधक स्कूल के संचालन की सभी पहलुओं को देखरेख करेंगे। स्कूल प्रबंधक प्रशासनिक कार्यों के साथ स्कूल की सफलता के लिए स्कूल बोर्ड और समुदाय के प्रति जवाबदेह होंगे। शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच संचार और सहयोग को बेहतर बनाना सुनिश्चित करेंगे। शुरुआत में 7 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में 7 स्कूल प्रबंधकों की नियुक्ति कर ली गई थी। अब दूसरे चरण में 73 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है। व्यापारियों से लेवी वसूलने आए 3 अपराधियों को गुमला पुलिस ने दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बंदडोह गांव के जंगल से 3 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ पालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में जमगई करमटोली निवासी वीरेंद्र खड़िया, सिपरिंगा लुर्दो टोली निवासी संदीप कुजूर व पालकोट कैबा बांदोडीह निवासी बुधेश्वर नागेशिया शामिल हैं। इस मामले में बसिया SDPO नाजिर अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी अनिल लिंडा भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन के घर कहां से आई BMW? ईडी ने धीरज साहू से पूछा। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान रिमांड पर लिए गए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की है। ईडी उनसे हेमंत सोरेन से संबंधों पर आधारित ज्यादा सवाल पूछ रही है। गत 29 जनवरी को दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास से बरामद BMW कार धीरज साहू का बताया गया था। ईडी यह जानने की कोशिश में है कि उक्त कार वहां कैसे आई। इस मामले में धीरज साहू का जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर साहेबगंज के DC रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले में ईडी की पूछताछ रविवार को भी हुई। उनके साहेबगंज स्थित कैंप कार्यालय से बरामद 7.5 लाख रुपये व 21 कारतूस मामले में ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कोल इंडिया मैराथन, हरियाणा की सोनिका और यूपी के अक्षय बने मैराथन किंग। कोल इंडिया मैराथन के दूसरे सीजन के लिए देश भर से आए धावकों से रविवार को मोराबादी का बिरसा मुंडा स्टेडियम गुलजार रहा। सुबह 5 बजे कोल इंडिया और CCL के अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाते ही जीत के लिए प्रतिभागी दौड़ पड़े। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा, कोयला मंत्रालय के अपर सचिव M. नागार्जुन,
रुपिंदर बरार, चेयरमैन पीएम प्रसाद, पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और गोपाल सिंह ने फ्लैग ऑफ किया। मोराबादी से कांके रोड होते हुए पिठौरिया चौक से पुना स्टेडियम पहुंचकर मैराथन संपन्न हुआ। महिला व पुरुष वर्ग के लिए चार कैटेगरी, फुल मैराथन 42.19 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर व 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। फुल मैराथन में उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार व हरियाणा की सोनिका क्रमशः पुरुष व महिला वर्ग में विजेता बने हैं। वहीं हाफ मैराथन में उत्तर प्रदेश की रेणु सिंह व हरियाणा के पुनीत यादव विजेता रहे हैं। पेपर लीक पर आयसू का हस्ताक्षर अभियान आज से। जेएसएससी सीजीएल 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आयसू का चरणबद्ध आंदोलन सोमवार से शुरू होगा। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उद्देश्य मामले की सीबीआई जांच पर जोर देने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाना है। इसी क्रम में 13 फरवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 15 को सभी जिलों के उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपा जाएगा और 17 को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। गांव चलो अभियान में झारखंड के भाजपा ने झोंकी ताकत। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा कई कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत पार्टी ने गांव चलो अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत भाजपा गांवों के गलियारे से दिल्ली पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। झारखंड के भी सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी गांव चलो अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। विधायक बिरंची नारायण, मनीष जायसवाल और अनंत ओझा समेत कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत प्रवास किया है। लोगों ने जनसंपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धि बताई। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और उनके परिजन से मिले, गाँव में आम लोगों के घरों में रात्रि विश्राम किया और लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे विधायक होते हुए भी आम लोगों की तरह हैं। झारखंड में आज से बारिश के आसार। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। बादल छा गए हैं। सुबह से राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में स्थिति ऐसी ही रही है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि सोमवार से बारिश हो सकती है। 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार 12 फरवरी को राज्य के उत्तरी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामतला, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़ और लोहरदगा में बारिश हो सकती है। शेष जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 13 और 14 फरवरी को कई जिलों में मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 15 फरवरी को राजधानी और आसपास वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। 16 को बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। वहीं 17 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान है। कोयला कामगारों की मांगों को लेकर 16 से हड़ताल। केंद्रीय ट्रेड यूनियन HMS, इंटक, एटक और सीटू ने 16 फरवरी को कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा की है। कोयला कामगारों ने हड़ताल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेड यूनियन के नेता हड़ताल पर जाने के लिए मजदूरों के बीच पीट मीटिंग भी कर रहे हैं। कोयला उद्योग में निजीकरण के खिलाफ और कई अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल बुलाई गई है। रामगढ़ जिले में CCL के रजरप्पा, बरका, सयाल, अरंडा, कुजू, CRS, बरका खाना, माइस रेस्क्यू स्टेशन सहित अन्य जगहों पर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। इधर हड़ताल को लेकर क्षेत्रीय प्रबंध भी अपनी तैयारी में लग गया है। इसके लिए वह संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर हड़ताल पर नहीं जाने की अपील करेगा। कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसमें कामगारों के तीनों पाली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आंकड़े जमा किए जाएंगे। रामगढ़ में युवकों ने प्रधानाध्यापक की जमकर की कुटाई। रजरप्पा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सोसो के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार महतो के साथ विद्यालय में घुसकर कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट की घटना 10 फरवरी शनिवार को सुबह विद्यालय परिसर में साफ सफाई के दौरान बताई जाती है। मारपीट की घटना को प्रधानाध्यापक ने रजरप्पा थाना में आवेदन देकर जानकारी देते हुए दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधानाध्यापक द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 10 फरवरी शनिवार को सुबह करीब 9 शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई कर रहे थे। अचानक लगभग 10 से 15 की संख्या में लड़कों का एक झुंड स्कूल में आया और सुमित नायक पिता कल नायक द्वारा विद्यालय का वीडियो मोबाइल से बनाने लगा, जिसमें वीडियो बनाने रहे शिक्षकों के द्वारा मना करने पर वह उलझने लगा।
झारखंड में शराब बिक्री का काला खेल। पश्चिमी सिंहभूम के अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की गई है। शराब की बिक्री में अनियमितता की शिकायत पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि पर उत्पाद विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा था। स्पष्टीकरण पर असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा सचिव उत्पाद से की गई है। हालांकि निलंबन की फाइल तत्कालीन मंत्री तक पहुंची थी। इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल हो गया है। मामला लंबित पड़ा हुआ है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्री तय होते ही एक बार फिर फाइल आगे बढ़ेगी। राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेले का आगाज। पलामू के चेरो राजा मेदनी राय की याद में आयोजित दो दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले का उद्घाटन रविवार को मेदनी नगर के दुबिया खाड़ में किया गया। मेले का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं राजा मेदनी राय स्मृति न्यास सह मेला समिति की ओर से किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह गढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, पलामू को उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त रवि आनंद, प्रशिक्षु आईएएस रवि कुमार और मेला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया है। मेले का समापन 12 फरवरी को होगा। मेला परिसर में पलामू जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को है। चंपई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। सार्जोम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप पर छत्तीसगढ़ का कब्जा। सार्जोम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का महामुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। रोमांच मुकाबले में रायपुर फुटबॉल क्लब ने बिरसा मुंडा क्लब रांची को 2-1 से पराजित किया है। बियेदा टीम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोयो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विनर ट्रॉफी के अलावा 4 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया। वहीं उप विजेता रही बिरसा मुंडा क्लब रांची की टीम को विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने रनर ट्रॉफी व 3 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया है। वहीं तीसरे व चौथे स्थान पाने वाली टीम को 75,000 रुपए नगद इनाम, सांसद प्रतिनिधि व समाज सेवी अमरेंद्र सिंह मुन्ना, विधायक प्रतिनिधि दिनेश मुर्मू व जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने प्रदान किया है। 18 को रांची में विश्वकर्मा समाज की जनसभा। कटमसांडी प्रखंड क्षेत्र के कटमसांडी स्टेडियम में रविवार को झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की प्रखंड इकाई का पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित और भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने कहा है कि अपने हक और अधिकार के लिए 18 फरवरी को रांची में विश्वकर्मा समाज की विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं हजारीबाग महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनोरमा देवी ने कहा है कि 18 फरवरी को हजारीबाग जिला से अधिक महिला मोर्चा की सदस्य उपस्थित रहेंगी। समान काम का मिले समान वेतन। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने समान काम के समान वेतन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। रविवार को रामगढ़ शहर के ब्रिगेडियर पुरी पार्क में बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारी ने कहा है कि उनके साथ सरकार और जिला प्रशासन भेदभाव कर रही है। अब इस मुद्दे पर वे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष समुद्दीन अंसारी व संचालन सचिव सूरज कुमार ने किया है। इस दौरान बैठक में आउटसोर्सिंग की बुनियादी सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राज्य सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद।